Hey guys, welcome back to my channel, Bikealog Varun. और आज मैं आपके सामने लाया हूँ ये स्टॉप एंड गो किट जो मैंने आपको मुंबई ट्रिप पे दिखाया था कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जा रहा हूँ मनाली ट्रिप पे. तो आज क्योंकि लॉन्ग राइड पे जाते वक्त पंक्चर इज अ वेरी बिग इशू, तो पंक्चर फिक्स करने के लिए मैंने ये किट ली थी और अपना 6000 किलोमीटर्स मैं इस पे कंप्लीट करके आया हूँ विदाउट एनी इशूज. एनी वेज पंक्चर नहीं हुआ लेकिन माइंड में एक रहता है कि पंक्चर हो गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे पंक्चर कैसे फिक्स किया जाता है, क्योंकि आज मेरी बाइक में एक पुराना पंक्चर लीक हो रहा है. तो मैं आपको दिखाता हूँ वो पंक्चर, उसके बाद बताता हूँ एक एक चीज कि इसमें क्या क्या है. वेलकम टू माय चैनल बाइकलॉग वरुण. मैं हूँ 5 फुट 6 इंच का और मैं चलाता हूँ ये बिग बीस्ट. तो गाइज आज आपका बाइकोलॉग वरुण पंक्चर लॉग वरुण बन गया है. और सबसे पहले अगर आपकी बाइक में कोई कील चला जाता है तो उसको पकड़ने के लिए मैंने ये वाला टूल रखा है अपने पास जो मार्केट में आपको 100 रुपये के अंदर मिल सकता है. और साथ में ये टूल है मेरे इस BMW बाइक का जिससे हम अपना बैटरी का शटर खोल सकते हैं, क्योंकि इस टायर कंप्रेसर के लिए हमें बैटरी का एक्सेस चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे. और उसके साथ मैंने पानी रखा है, पानी का एक स्प्रे बॉटल जिससे हम पता करेंगे कि पंक्चर कहाँ पे है. वी विल स्प्रे वाटर ऑन द होल टायर और उससे हमें पता लगेगा कि पंक्चर किस जगह पे है. उसके साथ ये वो मशरूम्स हैं जिससे हम पंक्चर फिक्स करते हैं, जिसको मैं आपको क्लोजली थोड़ी देर में दिखाता हूँ. और इस मशरूम के साथ साथ हमारे पास है ये पूरे टूल्स जिससे हम छेद को रिपेयर करते हैं, होल को रिपेयर करते हैं, और साथ में इस मशरूम को टायर के अंदर हम इंसर्ट करते हैं. और फाइनली द फाइनल स्टेप इज टू फिल द एयर इन द टायर. तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे और इसको कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ इन अ शॉर्ट वाइल. तो गाइस पहले बात करते हैं इस पानी के स्प्रे की. पानी का स्प्रे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम को पंचर चेक करना होता है वी विल स्प्रे वाटर ऑन द टायर. और वाटर स्प्रे करने के बाद आपको पता लगेगा कहाँ से बबल्स आ रहे हैं और आप पंचर को फाइंड आउट कर सकते हो. अब जैसे कि आपने देखा इन अ वाइल यहाँ पे बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक पंचर है. और यहाँ पे पहले भी एक पंचर था जो अब मैं दोबारा रिपेयर करूँगा इसको, क्योंकि टायर में बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर हुए हैं जिसकी वजह से ये पंचर वापस रीओपन हो गया है. लेकिन जैसे कि मेरी पहली इन्वेस्टिगेशन थी, मैंने पूरी बाइक का टायर पहले भी इन्वेस्टिगेट किया था और एक ही पंचर मेरे को मिला इसके अंदर, जो कि वो वाला पंचर था जो अभी मैंने आपको दिखाया. तो गाइस फाइनली हमने इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पंचर पता लग गया कि छेद कहाँ पे है. ये मेरा ओल्ड पंचर है जो अभी दोबारा से रीओपन हो गया है. और ये है वो टूल्स जिसको मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि कैसे यूज़ करना है. और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टूल विच इज़ दिस टूल. दिस इज़ एक्चुअली अ फाइलर. अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें पता लग गया कि यहाँ पंचर है तो हम इसको वापस फाइलर को इसके अंदर डालेंगे ताकि जो हमारा छेद है वो एकदम इवन हो जाए. तो इस फाइलर से हम इस छेद को इवन करेंगे सबसे पहले. तो गाइज इस टूल से हमने उस होल को अच्छे से रिफाइन कर दिया है ताकि जो हमारा मशरूम है वो सीधा अंदर जाए. और अब हम यूज़ करेंगे सेकंड नंबर टूल, क्योंकि ये जो इसका पार्ट है ये वाला अभी टायर के अंदर जाएगा और मशरूम इसी के थ्रू टायर के अंदर जाएगा और फिक्स होगा. तो इसको अंदर डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले टाइट करेंगे इस बॉडी से, क्योंकि ये आगे से बहुत ज़्यादा शार्प है. तो ये सीधा इसको टायर के अंदर लेके चला जाएगा ऐसे, और इसको आप अच्छे से घुमा के टाइट कर दीजिए और मेक श्योर इट इज़ कम्प्लीटली इनसाइड द टायर. और फिर इसको रोल करके आप जो इसके दूसरे वाले पार्ट को है इसको आप बाहर निकाल सकते हो ऐसे. सो नाउ द टायर इज गोइंग टू बी फिक्स्ड यूजिंग द मशरूम. सो गाइस फाइनली ये मशरूम है, इसके मशरूम के ऊपर लगा हुआ है ऑयल ताकि ये इसके अंदर से स्किट होता हुआ टायर के अंदर चला जाए. और इसको अंदर डालने के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाला प्रोडक्ट. इसके अंदर हम मशरूम को डालेंगे उल्टा ऐसे और इसको प्रेस कर देंगे जिससे ये अंदर चला जाए. सो गाइज लाइक दिस मशरूम विल गो इनसाइड दिस पर्टिकुलर थिंग. और अब इसको हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्रू अप करेंगे ऐसे और इसको स्क्रू अप करने के बाद टाइट करने के बाद
ये जो एलिंग की है इससे हम इसको घुमाएंगे, और इसको घुमाने से जो अंदर का स्प्रिंग है वो इसको आगे की तरफ पुश करेगा टायर के अंदर। तो अब हम इसको टाइट करना स्टार्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप मशरूम को अंदर डालते हो उसके बाद इसको दोबारा से लूज करके उसके बाद निकालो, नहीं तो मशरूम उसके अंदर फंसा रह जाएगा और जब आप इसको बाहर खींचोगे तो हो सकता है मशरूम भी बाहर आ जाए। तो इट्स बेटर टू लूज इट अप जब आप उसको वापस बाहर खींच रहे हो। तो अभी मैंने इसको लूज कर दिया है, अब मैं इसको बाहर खींचूंगा एंड सी द मशरूम इज इनसाइड नाउ एज यू कैन सी। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा मशरूम है हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बाहर खींच के काट देंगे। एंड इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ अ टायर। तो गाइस फाइनल स्टेप है इसको कंप्रेसर को रन करना, क्योंकि जो हवा भरेगी टायर के अंदर दोबारा वो इस कंप्रेसर से बनेगी, और ये जो इसके कनेक्टर्स हैं ये जाएंगे इस बाइक के बैटरी के अंदर। जो इसका रेड है वो रेड में कनेक्ट करना है एंड ब्लैक ब्लैक में कनेक्ट करना है, विच इज़ वेरी सिंपल। तो आओ इस बाइक की बैटरी को ढूंढते हैं, इसको खोलते हैं और फिर इनको कनेक्ट करते हैं। जब भी हम अपनी बाइक लेते हैं तो हमें सबसे पहले मैनुअल में चेक करना चाहिए कि बाइक की बैटरीज कहाँ हैं, क्योंकि जब टाइम आता है बैटरी का, बैटरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, कुछ भी हो गया, हमारे पास प्रॉपर टूल होने चाहिए उसके कवर्स को खोलने के लिए। तो मेरी जो बाइक की बैटरी है वो ये है, और इसके अंदर हम इसको कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद कंप्रेसर को रन करके टायर में हवा फिल करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने मशरूम टायर के अंदर डाल दिया, अब कनेक्ट करते हैं इसको। तो रेड वाला जाएगा बैटरी के रेड वाले में और ब्लैक वाला जाएगा बैटरी के ब्लैक वाले में। आई होप स्पार्क ना हो। And the compressor is now connected to the battery. जैसे कि आप आवाज़ सुन सकते हो, सो ये है कंप्रेसर की आवाज़। और लेकिन हम ये प्रिकॉशन लेंगे कि जब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, जब बाइक बंद है, तो हम इस कंप्रेसर को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर हमने उस टाइम पे कंप्रेसर यूज़ किया तो बैटरी ड्रेन आउट हो सकती है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा एक टोइंग वैन बना लेंगे अलावा। एग्जॉस्ट मेरे बाहर आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने टायर के नोजल को खोलेंगे लाइक दिस, और ये जो है इसको हम स्क्रू अप कर देंगे नोजल के अंदर। तो गाइज अब मेरा टायर प्रेशर है 38.2, जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक कंफर्टेबल टायर प्रेशर है। और जस्ट नेक्स्ट एक पंक्चर की शॉप है जहाँ पे मैं अपने टायर को 47 करा लूँगा, जो मैं नॉर्मली रखता हूँ। और ये था एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन इस प्रोडक्ट स्टॉप एंड गो का, और इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इस यूजफुल प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर आप दूसरे टाइप के मशरूम्स यूज़ करते हैं या कुछ और पंक्चर का टूल यूज़ करते हैं तो दैट इज़ फाइन, बट ये कंप्रेसर खींचने के लिए भी खरीदने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, नीचे दिया गया लिंक। और आई होप आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करो ताकि प्रॉब्लम में कोई भी ना फंसे। बीइंग अ बाइकर इट्स माय ड्यूटी टू हेल्प अदर बाइकर्स, एंड दिस किट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर कार्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।